अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेलीफूड। आज हम बनाएंगे चिकन सलामी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 1/2 kg बोनलेस चिकन, सूर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गरम मसाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, शिमला मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्च और 1 अदद प्याज। जी तो ये सारा चिकन हम इसमें डाल के इसका कीमा बनाएंगे। 1 by 1 चीज़ें ऐड कर देंगे। ये प्याज, सोया सॉस, सूखी मिर्च, पेपरिका पाउडर, धड़ा मिर्च, नमक, गरम मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, शिमला मिर्च या और हरी मिर्च। अब इसे निकालते हैं। जी ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इस मसाले को हमने इस शीट पे रखना है। ये इस तरह से इसमें हमने इसको रैप करना है और थोड़ा आपने टाइट करके करना है इसे। ये इस तरह से आपने इसको रैप करना है और साइडें इसकी ऐसे करके इधर एक आपने नॉट लगा लेनी है टाइट सी। ये इस तरह से हम बना के इनको रख लेंगे। ये सारे इस तरह से हमने बना लिए। कुछ मैंने बड़े बनाए और कुछ छोटे बनाए खुद साइज में। पानी हमने बॉयल करने के लिए रख दिया था और 1 by 1 हम पानी में इनको डालेंगे और 1/2 घंटे के लिए इन्हें हम बॉयल करेंगे। आधा घंटा हो गया है इन्हें, तो इन्हें हम निकालते हैं। अब 10 मिनट के लिए हम इसे इन्हें ठंडे पानी में डिप करेंगे। जी 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इन्हें ठंडे पानी से निकाल के और इनकी रैपिंग उतार लेंगे। जी तो ये जो है ना, इसमें से एक लेके तो हमने इनके स्लाइस बना लेने। ये इस तरह से, व्यूअर्स तो ये हमने स्लाइस बना ली है इनके और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पैन गरम हो गया है, हमने ग्रिल पैन लिया है और इसमें ऑयल डाल के इस तरह से सारे, ये इस तरह से सारा पैन हम ग्रीस कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है और ग्रिल हो रहे हैं ये कितने मजे के। ये ऑलमोस्ट हो गए, इनको हम अभी निकालते हैं। हमारी चिकन सलामी तैयार है, तो चलिए हम टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बनी है। आप किसी भी अपनी पसंदीदा सॉस के साथ इसको टेस्ट करें।
बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये, तो आप भी जो है ना इनको ज़रूर घर में ट्राई करें। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।